हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप बच्चों को टिफ़िन में भी रख कर दे सकते हैं, इसे आप शाम में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना न्यू अपडेट्स के लिए। चलिए देख लेते हैं इसका बनाने का तरीका क्या है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी, जिसे मैंने अच्छे से धोकर भिगा दिया था। तो इसे 2 घंटे के लिए कम से कम भिगा देना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद जब ये 2 घंटे हो जाए तो हम इसका पानी सारा निथार लेंगे और फिर इसे हमने मिक्सर जार में डाल देना है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल देंगे और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और इसे हम पीस लेते हैं, बारीक फाइन पेस्ट साइज का बना लेंगे। और ये देखिए, इसे पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया था, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत पतला और ना बहुत ही गाढ़ा, तो इस तरह की होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे अच्छे कलर के लिए, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आप चाहे तो इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो। और ये देखिए, हमारा जो बैटर है रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो इसे हमें कट कर लेना है। तो मैं इस तरह से 4 पीस में कट करूँगी, पतले पतले से स्लाइस हमें इसे करने हैं, फिंगर शेप में लंबाई में इस तरह से कट करेंगे। और ये देखिए इस तरह का, तो इस तरह से हमने चारों ब्रेड को कट कर लेना है। आप इसे अपने पसंद की शेप से कट कर सकते हैं, तो मैंने इसे इस तरह से लंबाई में कट किया है। अब ये देखिए सारे कट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें डाल देंगे बैटर में और इसे इस तरह से डिप करेंगे और पूरा अच्छे से कवर करेंगे, और फिर इसे उठाकर हमने ऑयल में डाल देना है। तो इसके लिए पहले ऑयल को हमने गर्म कर लेना है, अच्छे तेज़ गर्म ऑयल में हमने इसे डालना है, और एक एक करके इस तरह से हमने इसे कोट करेंगे बैटर से और फिर इसमें डालते जाएंगे। एक बार में जितने आएंगे उतने ही हम पैन में डालेंगे और इसी तरह से इसे सेकने देंगे। जब नीचे का हिस्सा हो जाएगा थोड़ा सा गोल्डन, तो इसे पलट लेना है। उलट पलट करते हुए अच्छा सा कलर आने देंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। इस नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। और इस तरह से देखिए, उलटते पलटते हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने देना है, और ये अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक एक करके, और इसी तरीके से हमने सारे जो है फिंगर्स को हमने फ्राई कर लेना है। तो ये सारे हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है, और ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है ये, क्योंकि हमने इसे मूंग की दाल से बनाया है और हमने इसे घर में तैयार किया है। ये नाश्ता आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना, इसे आप शाम में चाय के साथ बनाएं, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी रखकर दे सकते हैं, हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये, और बहुत ही हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना न्यू अपडेट्स के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।